हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो क्या क्या जिद करके बैठ रहा है, क्या करना है बता। आपको मेरे पीछे बैठोगे, मैं अपने यहाँ पर पिलो रखूंगा। और मैं पीठ पे चढ़ूंगी तो दब नहीं जाएगा उसके नीचे? तो नहीं, ये तो ना दबेंगे। सोच ले, सोच के बोल। फिर मैं इसकी पीठ पे चढ़ने जा रही हूँ भाई, कुछ होगा तो फिर ड्रामे करता है इसको। मैंने बोला मेरी पीठ पे चल, मेरी पीठ पे ये चला नहीं, उल्टा मेरे को बोला चलो। उल्टे काम करवा लो इस लड़के से। और करना है जमैटो तरह से बढ़ाऊंगी ना मैं। जमैटो इसको मैंने बोला मेरी पीठ पे चल, है ना, मेरी पीठ पे नहीं चल। अच्छा झूठे, चलो मेरी पीठ पे आ जा, जल्दी आ। पैर दो क्या अपने, इसके पैर देखना कितने गंदे हुए हैं। दिखा 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 अपने पैर, दिखा इसके पैर देखना, इसके ये देखना कितने गंदे हुए हैं। जा दो क्या गंदे, मिट्टी लगी है इनको नंगे है। क्या क्या बोला क्या बोला मैंने मिट्टी बोला, मिट्टी तेरे कान छोड़ गए, इसके कान भी छोड़ गए। जा दो क्या उल्टी सीधी हरकतें मत करे, जा अच्छे से रगड़ के धोना, बाहर जाके धो ले। खून है, खून जो टपक रहा था। चुप रह, अच्छा खून था वो। तेरे को जितना बोल रही हूँ, जो बोल रही हूँ वो कर ले। एक दो ले, छूटा आजा छूटा। मैंने बड़े से ट्रिक सीख लिया, आजा मैं बैठ बैठ के पहले पैर धोके फिर लड़ते। रिमोट का है, रिमोट सामने है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये मॉर्निंग का है, आज सुबह एक्चुअली ये शाम की चपातियाँ कुछ बच गई थी, तो मैंने इनको जो है ना हल्का रिफाइंड ऑयल लगा के तवे पे से दिया। और रात की रोटी जो होती है ना वो वैसे खा लेनी चाहिए, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और आपके लिए मतलब आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक रहता है। तो यहाँ जो है, यहाँ मैं कर रही हूँ दूध वाला पतीला खाली, और इसमें दो दिन मैंने इसमें दूध गर्म किया ना, तो इसकी जो मलाई है वो बहुत जम गई थी इसमें, बस उसको निकालूंगी मैं। और इसका जो दूध मैंने निकाल के सोने के लिए डाला है ना कप में अलग, ये ब्लू कलर के उसमें आपको दिख रहा होगा, और इसमें डाल दूंगी मैं इसकी जो इकट्ठी हुई मलाई है, क्योंकि ये मलाई खाती है तो इसके लिए मैं अलग से डाल दूंगी। और हैंसी नहीं खाता है दूध में मलाई, और मैं भी नहीं खाती हूँ, बट ये खा लेती है, इसको अच्छी लगती है। और उसके बाद जो है मैं इसको धो लूँगी, जो दूध वाला पतीला है ना इसको धो के फिर, क्योंकि दूध अभी आना था, इन्होंने लेके आना था दूध, तो मैंने कहा चलो इसको धो के रख देती हूँ, और उसको जब दूध आएगा तो इसमें शिफ्ट कर दूँगी, तब तक को ये साफ़ हो जाएगा। तो बस यहाँ जो है मैं इसको पूरा साफ़ करके अच्छे से रख दूँगी। और जैसे दूध आजकल आप दो या तीन बार उबालो ना तो वो साइडों में बहुत ज़्यादा जम जाता है,
तो फिर धोने के लिए, और ऊपर से सर्दी भी है, अब ठंडा हो गया मौसम, तो गर्म पानी हो तो जल्दी धुल जाता है, लेकिन मैंने ठंडे से ही धोया था। फिर बार बार ठंडे और गर्म के साथ लगना तो हाथ भी ना फटने शुरू हो जाते हैं, तो रूखे होने शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल ठंडे से ही धोऊंगी। और क्या हो रहा है? हाथ धो जा रहे हैं। क्या किया था? कुछ नहीं। क्या किया था? हाथ पे वो लग गया। क्या? पानी के साथ लगा हुआ था। तू सुधर जा, आगे पानी है नहीं। और तू तो ये शाम का वीडियो है। शाम को जब मैं घर वापस आ रही थी तो मेरे आगे जो गौ माता जी, उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। बस अभी इसको आगे निकालूंगी, फिर जाऊंगी मैं। इधर देख, इधर देख, क्या कर रही है? हैं, खेल रही है? क्या खेल रही है? हैं, यहाँ आगे जो है मैं अपने शूज़ रखूँगी रैक में, और ये फैंसी की पिचकारियाँ थी बाहर पड़ी हुई, तो इनको भी रखूँगी। और शूज़ आजकल क्या है, संभाल के रखने पड़ते हैं, नहीं तो ना रोज़ एक डॉगी आता है, वो ले जाता है रोज़ ही। इनको रख दूँगी मैं रैक में और इसको ढक दूँगी अच्छे से, और मेरे जो ये दूसरे वाले हैं घर में डालने वाले, इनको ले आऊँगी। हाँ, निकाले दांत और निकाल ले। ये कहाँ था गया पहले ये बताना मेरे को। बाहर था। बाहर क्या कर रहा था? पानी से नहीं गिराया सारा वो? कौन सा पानी के साथ ये और वो कान हो जाए? वो पापा ने भर के रखा हुआ था, वो सारा खत्म कर दिया पानी। वो एक कुछ उसको ये पिचकारी के साथ, पिचकारी से पूरा पानी। हाँ। कोई नहीं, पापा को आने दे, पानी यहाँ वैसे ही इकट्ठा होता है। ले, इतनी पूरी बॉटल में से नींबू पानी बनाया, सोचो जरा। रोने लगा हुआ था कि आपने इसको भेजा नहीं जब। तो यहाँ जो है मैं डाल रही हूँ चने, मैंने भिगो दिए थे दिन में ना, तो बस यहाँ मैं सीटी लगाने के लिए रखूँगी। इसमें मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाला है, और इसमें लगाऊँगी 4-5 सीटी, और इसके बाद इसमें आलू भी ऐड करूँगी। तो अभी ये, और तो यहाँ जो है, यहाँ मैं अपने लिए प्राइम तल रही हूँ। चाय बनाई थी मैंने, तो शाम को कुछ भूख लगती है, कुछ खाने का मन होता है, तो वैसे तो और भी बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा इनको खाने का बड़ा मन हो रहा था, तो हैंसी को मैंने पॉपकॉर्न दे दिए। सोनी पहले दूध पी चुकी थी, तो बस मैंने अपने लिए प्राइम तल लिए, और साथ साथ मैं तड़का भी लगाऊंगी और चाय भी पी लूँगी अपनी। तो यहाँ जो है मैं आलू और चने का तड़का लगा रही हूँ। इसमें मैंने जीरा, अजवाइन, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डाली है, साथ में मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसके बाद जो है प्याज छोटे छोटे चॉप करके डाले हैं, फिर टमाटर डाले हैं छोटे छोटे चॉप करके, और इसमें मैं आज हल्दी, नमक और मिर्ची डालूंगी, साथ में कस्तूरी मेथी डालूंगी और गर्म मसाला। ये गर्म मसाला नहीं, ये चने का मसाला है बादशाह का, और ये आज ऐड किया था इसमें। आज कुछ नया करने का सोचा था तो चलो ये डाल लिया। तो बस यहाँ मैं आलू को और चने को अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे मैं एक अपने लोकल जो है मेरे मायके वाली साइड का वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप भी देखें हमारी साइड का लोकल डांस कैसा होता है, और इन्जॉय करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।